न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 25 दिसंबर को भगवान यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जाने वाले क्रिसमस के पर्व को लेकर रेवाड़ी में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्रिश्चियन समुदाय के साथ दूसरे समुदाय के लोग भी इस पर्व को लेकर खासे उत्साहित हैं। बात अगर रेवाड़ी की करें तो साल 1895 में स्थापित शहर के प्रमुख सर्कुलर रोड पर स्थित करीब 124 साल पुराने सेंट एंड्रयू चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं चर्च में आज दिन भर नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों का तांता लगा रहा। बच्चों ने भी चर्च पहुंच भगवान यीशु के दर्शन कर उनके दिए संदेश शांति व एकता पर चलने का प्रण लिया। इस मौके पर सांता क्लॉज की ड्रेस में आए नन्हे मुन्ने सैकड़ों बच्चों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। चर्च के प्रतिनिधियों द्वारा बच्चों से प्रेयर कराई गई तो साथ ही उन्हें उपहार भी दिए गए। वहीं समुदाय के लोगों ने सभी बच्चों का चर्च पहुंचने पर स्वागत किया। समुदाय के लोगों की माने तो भगवान यीशु ने इस दिन हमारे सारे पापों से मुक्त किया था, इसलिए हम अपने उद्धारकर्ता के लिए यह दिन खुशी से मनाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने का सबक मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक हैं, अगर बाइबल को पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर दुनिया रहने लायक बन जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन को समुदाय के लोग एक दूसरे को मिठाइयां देकर और केक खिलाकर सेलिब्रेट करते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रियंका, अभी यहाँ बच्चों को लेकर के आए हैं चर्च में, क्या कुछ कहेंगे? सर, हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और उन्हें नए रिलीजन के बारे में पता चलता है, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये भी उन्हें थोड़ा सा पता चलता है, नॉलेज होती है और वो बहुत इंजॉय। किस तरह का मैसेज यहाँ बच्चों को दिया गया है अभी चर्च की तरफ से, आप लोगों की तरफ से? सर, किस क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे पीस कैसे बनाए रखें और आपस में मिलजुल कर कैसे रहें। क्या आप 25 तारीख को भी यहाँ बच्चों को लेके आएंगे? नो सर, 25 क्रिसमस डे पे हम लोग पर्सनली आते हैं क्योंकि स्कूल ऑफ रहते हैं तो हम स्कूल के चिल्ड्रंस को नहीं लेके आ सकते, हम पर्सनली यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा चंद है। निशा, यहाँ जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारियाँ चल रही है, किस तरह की तैयारियाँ की गई है? हमारे यहाँ क्रिसमस का जो त्यौहार है उसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग कैरल्स निकालते हैं, 10 दिन के अराउंड हमारा ये फंक्शन चलता है। हम बड़े छोटे सबको अपने यहाँ पे ऑनर करते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को ऑनर करते हैं। हम लोग क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम मनाते हैं जो हमने कल ही किया है 22 दिसंबर को, जिसमें हम एक छोटा सा प्ले दिखाते हैं, जीसस का जन्म दिखाते हैं। पता नहीं अनगिनत स्कूल हमारे यहाँ पर आते हैं, कोई गिनती ही नहीं है, उसे हम अटेंड करते हैं और सब बच्चों को संदेश देते हैं जो जीसस ने हमें दिया कि प्यार से ही दुनिया को जीता जा सकता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे आज आए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हम अटेंड करेंगे, फिर शाम को हम अपनी प्रार्थनाएँ करेंगे। कल रात को 11 से 12 भी चर्च लगेगा जिसमें जीसस के जन्म का जो समय होता है उस समय हम पूजा करते हैं। फिर 25 को सुबह 10 बजे से लेकर और 1-1.30 बजे तक चर्च लगता है और रेवाड़ी की आम जनता के लिए चर्च पूरा दिन खुला रहेगा और सब ईसाई आराधना के बाद अपने अपने घरों में जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, केक खिलाते हैं एक दूसरे को, मिठाइयाँ बांटते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं, ट्री सजाते हैं, स्टार लगाते हैं और बस खूब खुशियाँ मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या संदेश देंगे उनके लिए? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ सर कि सभी एक हैं, किसी धर्म को मानो ना मानो, मुझे लगता है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बने। कोई भी किताब हमें लड़ना झगड़ना नहीं सिखाती, बाइबल कुरान गीता कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाती, सब में ही वो कॉमन बातें लिखी हुई हैं। किसी को भी फॉलो करेंगे तो हम एक सच्चे इंसान हैं और आई थिंक सच्चा इंसान कोई भी धर्म का हो, कैसे भी आप किसी भी रिलीजन के हो, आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ही करेंगे।